देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जैन आज पटना के एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां जियो फाउंडेशन की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। जियो फाउंडेशन के संस्थापक आर्यन गिरिराज ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। वहीं जियो फाउंडेशन की ओर से हर्षवर्धन जैन को एक अद्भुत तोहफा भी दिया गया। जियो फाउंडेशन के संस्थापक आर्यन गिरिराज ने बताया कि रिजर्व बैंक के सौजन्य से 500 के रद्दी नोटों के कतरन से तैयार भगवान बुद्ध की प्रतिमा उन्हें भेंट स्वरूप दी गई, जो अपने आप में अद्भुत है। उन्होंने कहा कि देश के इतने भरे मोटिवेशनल स्पीकर हर्षवर्धन जी पहली बार बिहार आए, तो उनसे मुलाकात कर उनसे बात करने के बाद अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हर्षवर्धन जैन यूं ही लोगों को सही राह दिखाते हुए तरक्की की राहों पर अग्रसर रहें। देश के इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर पहुंचे हुए थे और जियो फाउंडेशन की ओर से उनको सम्मानित किया गया, क्या बात? हर्षवर्धन जैन हमारे बड़े भाई हैं और देश के एक बहुत बड़े मोटिवेशनल यूथ लीडर हैं। उन्होंने राजस्थान से चल के बिहार में आकर के और उन्होंने ऊर्जा देने के काम किया है। ऊर्जा ऑडिटोरियम में हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार मुक्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया है, बहुत सारे पथ निर्देश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर बिहार से संबंध स्थापित रखे। और जियो फाउंडेशन के सभी ट्रस्ट के सक्रिय सदस्यों ने जाकर के उनको सम्मान देने के काम किया और साथ ही साथ उनको एक सप्रेम भेंट दिया बिहार से, स्मृति, जो RBI के 500 के रुपये के नोटों से बनी हुई बुद्ध मूर्ति थी, जिसमें कई ऐसे लोग थे जिसमें उनमें सहयोग उसमें। यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, जो RBI के जो नोट जो बोले आपने, वो क्या सचमुच के नोट थे? यानी सचमुच के 500 के नोटे थे और RBI के सुरक्षा पदाधिकारी हैं अभिषेक कमांडेंट अशोक वर्मा जी ने, मैं जब गया था जी, वो 500 के नहीं खरे नोट थे, वो कटे छटे नहीं, वो एकदम अच्छा नोट जो होता है ना, वो नोटों में से उसको कटी हुई थी और उससे बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया है। और मैं हम लोगों ने सप्रेम देने के काम किया और उनको अच्छा लगे, क्योंकि इतने बड़े विचारक और इतने बड़े यूथ मोटिवेटर, अभी तक उन्होंने 40 से 50 लाख लोगों तक उन्होंने अपना कीर्तिमान हासिल किया है। एक एक उनकी जो YouTube व्यूअर्स हैं 10-10 मिलियन है, बहुत बड़ी बात है। उनकी विचारों को समझना है यूथों को, और हमारे बहुत ही गर्व की बात है, हमारे बिहार में आकर के उन्होंने जो ये ऊर्जा देने के काम किया ऊर्जावान जगहों पर, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं उनको। जब मैं उनसे मिला तो सच में उन्होंने ऐसी ऊर्जा है उनके अंदर कि देने के काम, एक ट्रांसफार्मर से मैंने मिला आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में सारे हमारे युवा साथी ने काफ़ी ऊर्जावान महसूस किए और हम उनसे बस एक ही आग्रह निवेदन करूंगा कि इस समाज सेवी भाई की निवेदन स्वीकार करते हुए हमारे बिहार में इस तरीके की आपकी ज़रूरत है, 2-3 महीने पर एक सेमिनार होते रहनी चाहिए। धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों को भी उपस्थिति, सभी दोस्तों को भी आभार जिन्होंने वहाँ तक पहुँचने